नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बालू उठाव में पुलिसिया लूट के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली गई, विधायक भी हुए शामिल। पलामू जिले के प्रखंड तरहसी प्रधानमंत्री आवास, सार्वजनिक शौचालय एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु बालू उठाव में थाना प्रभारी एवं पुलिसिया लूट को लेकर पांकी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने तरहसी प्रखंड मुख्यालय में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी थानों के दलाल नियुक्त थाना प्रभारी पकड़ते हैं और प्रति ट्रैक्टर से 40,000 रुपए तक की अवैध वसूली ट्रैक्टर मालिकों से कर रहे हैं। तरहसी प्रखंड मुख्यालय में नुक्कड़ सभा के तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप गया है और जल्द ही इस समस्या से निदान पाने की मांग की। डॉक्टर मेहता ने मौके पर कहा कि राज्य सरकार को ज्ञापन देकर जल्द ही पूरे राज्य में बालू उठाव फ्री करने की मांग करेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को बालू के लिए इतना मशक्कत करना पड़े या हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रीन लाइन न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज्योति कनौजिया, धन्यवाद। तहसील भवन है, कई तरह के गैर सरकारी निर्माण कार्य भी है, उस सबके लिए बालू की अति आवश्यकता थी। और ये आवश्यकता के बाद लोगों ने आसानी से बालू लेकर के घर बना रहे थे, मकान आवास बना रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी एसपीओ और दलाल नियुक्त करके प्रशासन के सहयोग से इस प्रकार से हायत हुआ मचा दिया पूरे पांकी विधानसभा में, खासकर कि जो बालू 500 रुपये मिलना चाहिए आज 2500 रुपये भी नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास प्रभावित है, निर्माण कार्य बंद है, हर तरह का जो काम होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने थाना प्रभारी को पहले से ही बोला था, वीडियो को भी मैंने बोला था, इसके बाद में भी रात में भी दलाल को सुनते हैं कि ये बैठा के रखता है लोग, 10 दिन के लिए 5,000 एक ट्रैक्टर से वसूल करवाता है। हम ये चेतावनी के तौर पर यह ट्रैक्टर रैली निकाल करके प्रधानमंत्री के आवास को बनने में कोई असुविधा करता है तो वह देशद्रोही है। कोई निर्माण कार्य रोकने में कोई अगर अव्यवस्था करता है तो वो देशद्रोही है। वैसे थाना प्रभारी, वैसे दलाल बिचौलियों को पर अंकुश लगाने, दलाल बिचौलियागिरी खत्म करने, थाना प्रभारियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ हम लोग पूरे